आज शेयर मार्केट में गिरावट के माहौल के साथ कारोबार की शुरुआत हुई थी। हालांकि दिन में बाजार ने रिकवरी दिखाई। शेयर मार्केट के सभी इंडेक्स हल्की बढ़त लेकर बंद हुए। निफ्टी 36 अंक चढ़कर 23,537 पर बंद हुआ, सेंसेक्स 131 अंक चढ़कर 77,341 पर बंद हुआ और निफ्टी बैंक 42 अंक चढ़कर 51,703 पर बंद हुआ। अनिल सिंघवी जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर रोजाना मेरे साथ जुड़ते हैं। अनिल जी, आज के बाजार पर क्या आपका आकलन? हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त एक्शन। आज कमजोर शुरुआत होना तो तय था, क्योंकि दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत हैं, न बड़ी तेजी के न बड़ी मंदी के अमेरिकी बाजारों से शुक्रवार के लिए। डाउ फ्यूचर्स 90-100 पॉइंट नीचे थे, यानी कि हल्के हल्के संकेत कमजोरी के। एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट और वायदा कारोबार दोनों में बिकवाली के आंकड़े मिलाकर देखें तो करीबन 3,500 करोड़ की बिकवाली। नो डाउट कई सारी ब्लॉक और बल्क डील का समन्वय था, लेकिन फिर भी बिकवाली का आंकड़ा और उसके साथ ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ नेगेटिव खबरें, इन सब के चलते 100-125 पॉइंट नीचे खुलना तय था। निफ्टी का खुले भी और खुलकर करीबन 150 पॉइंट नीचे तक फिसले भी। 23,350 ये था वो लेवल जहां पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया शुरुआती आधे घंटे में, और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये जरूर है कि शुरुआती कारोबार में बाजार थोड़े से सीमित दायरे में ट्रेड करते रहे, लेकिन जैसे जैसे ट्रेडिंग सेशन आगे बढ़ा भारतीय बाजारों ने वहां से एक रिकवरी दिखाना शुरू किया। इस रिकवरी में निचले स्तरों से लगभग 200 पॉइंट की शानदार रिकवरी दिखाकर निफ्टी 23,550 के करीब पहुंचा और दिन की ऊंचाइयों के करीब जाकर मजबूती के साथ बंद हुआ। यानी कि पूरी की पूरी जो रिकवरी बनी वो स्क्रीन पर बनी और अच्छी तेजी के संकेत आते दिखे।